हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। सो अभी जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये वृषभ राशि वालों के लिए। देखेंगे 16 से 22 अप्रैल तक वृषभ राशि वालों की लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। इसे आप सन साइन मून साइन जैसे चाहें वैसे कंसीडर कर सकते हैं, वैसे देख सकते हैं जैसे आप चाहें। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, लवर्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, सन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लारिफाई करें। तो सबसे पहले टॉरस राशि वालों, मैं आप लोगों की लव लाइफ पे आती हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पे लव लाइफ का ही इशू सबसे ज्यादा आपकी लाइफ में नजर आ रहा है। पिछले कुछ टाइम से आप अपने पार्टनर के वजह से काफी ज्यादा स्ट्रेस लेते हुए नजर आ रहे हैं। हार्ट ब्रेक है ऐसा दिख रहा है, इमोशनली काफी डिस्टर्ब हुए। हो सकता है आप लोग दोनों के बीच में किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ऐसा हुआ। कोई बहुत ही इंटेलिजेंट आपके साथ जो है पर्सन है जो आपको जो है कहीं ना कहीं हर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। बातें छुपाते हुए, आपको लेकर लाइक धोखा देते हुए, लॉयल्टी कहीं ना कहीं मिसिंग है, ऑनेस्टी कहीं ना कहीं मिसिंग है। ऐसा लग रहा है पिछले कुछ टाइम से बर्ताव अच्छा नहीं है या समय वैसा नहीं है जैसा आप कंसिडर कर रहे थे। अच्छा कुछ हो नहीं पा रहा है रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें आपके साथ आपकी लव लाइफ में घटित हुई हैं जिससे आप बहुत बुरी तरह से हार्ट ब्रेक को फील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड है। इस हफ्ते मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, यस आप डिप्रेस जरूर रहेंगे। आपके अंदर एक लोनलीनेस है, डिप्रेशन है, कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी है जहां पर आप बहुत सैडनेस अपने अंदर फील कर रहे हैं। लेकिन ये सैडनेस ज्यादा हैवी टाइम तक नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत लंबे टाइम तक आपके अंदर रहेगी। ऐसा लग रहा है एकदम से चीजें जो है आप सडनली बदलने का प्रयास करेंगे, पुरानी बीती बातों को भूल कर एक नई शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। आपके पार्टनर भी आपको मनाते हुए, रिझाते हुए, रोमांटिक होते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ आप भी उनको एक नया मौका देते हुए नजर आ रहे हैं। रीजन ये होगा नया मौका देने का क्योंकि आप उन्हें छोड़ नहीं पाएंगे। किसी न किसी वजह से आप सब जानकर भी, सब कुछ जानते हुए, उनकी सच्चाइयों को देखते हुए, उनके धोखे उनकी गलतियों को देखते हुए भी आप एक और मौका देंगे अपने रिश्ते को, क्योंकि आपके लिए उन्हें छोड़ पाना काफी डिफिकल्ट होगा। एक नई शुरुआत का हफ्ता होगा ये, जहां पर आप न्यू बिगनिंग करते नजर आ रहे हैं, जहां पर आप अपने पार्टनर से काफी क्लियर बातें करते नजर आएंगे, उन्हें खुलकर बात करेंगे कि आपको क्या चाहिए और क्या दोबारा नहीं रिपीट होना चाहिए। कहीं ना कहीं आप ईश्वर से जस्टिस की कामना करते नजर आएंगे और ये फील करेंगे कि ठीक है, देर सवेर सब ठीक हो जाएगा, एक ना एक दिन सब बेहतर हो जाएगा और ये रिलेशनशिप हील हो जाएगा। इस रिश्ते में काफी ज्यादा हैप्पीनेस इस हफ्ते देखी जाएगी। इस हफ्ते आप अपनी इच्छा से इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लाएंगे, इस रिश्ते को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। पार्टनर के प्रति काफी वापस से पहले जैसे एक बोलते ना फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करते नजर आएंगे। आपके अंदर एक बैलेंस रहेगा और कहीं ना कहीं आप अपनी सेल्फ वर्थ को भी बनाकर चलते हुए, सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाकर चलते हुए नजर आएंगे। यानी कि अगर आप लोगों की लव लाइफ में यूनियन की प्रॉब्लम्स चल रही थी, पिछले कुछ टाइम से रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे थे, तो मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। फैमिली में काफी हैप्पीनेस देखी जाएगी इस वीक। आप काफी बैलेंस रहेंगे, आप बहुत सोच समझ कर अपने स्टेप्स लेंगे। आप ये सोचेंगे कि पुराना किया तो मिटा नहीं सकते, चलो एक नई शुरुआत कर ली जाए। होप और फेथ का हफ्ता होगा जहां पर आपके अंदर बहुत उम्मीद होगी, एक होप होगी कि चलो देर सवेर सब बेहतर हो जाएगा। अब आप जो है दोबारा अगर गलती हुई आपके पार्टनर से तो उन्हें माफ नहीं करेंगे, उन्हें दोबारा एक मौका देकर जरूर देखना चाहेंगे। कहीं ना कहीं आप सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर एक नया प्रयास, एक नई जिंदगी दोबारा से स्टार्ट करते नजर आएंगे इस हफ्ते। इस हफ्ते आपके करियर पे भी मुझे अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आप करियर में बहुत समय से कुछ चीजों को ट्राई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, पर बार बार फेलियर्स आ रहे हैं, बार बार काम नहीं बन रहे हैं, या किसी न किसी वजह से चीजें स्टक हो जाती हैं, डीले हो जाते हैं, राइट टाइम पे राइट चीज नहीं हो पा रही है, अगर बहुत समय से ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो इस हफ्ते किसी की मदद से आप उस प्रॉब्लम को पार करेंगे। कोई अचानक से व्यक्ति, आपकी कोई दोस्त, कोई आपके कलीग आपकी अचानक से हेल्प करेंगे, जिसकी वजह से सडनली आपकी हेल्प होगी और आपकी लाइफ में ग्रोथ देखी जाएगी। हफ्ते का स्टार्ट डेफिनेटली थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हफ्ते की एंड होते होते सब चीजें बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही हैप्पी पोजीशन पे आते हुए नजर आएंगी।
आपके अंदर एनर्जी देखी जाएगी पॉजिटिव लेवल पे, एक अलग लेवल का उत्साह, सब कुछ बेहतर करने का प्रयास देखा जाएगा। अगर आपकी तबीयत खराब चल रही है तो यार हफ्ते के मैं कहूँगी मिड तक और तबीयत डाउन रहेगी, बट हफ्ते के मिड के बाद अचानक से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अचानक से हफ्ते के मिड से आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी, आप बेटर पोजिशन पर आएंगे और खुद को बहुत हैप्पी फील करेंगे, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होती नजर आएगी, फैमिली एनवायरनमेंट भी बेटर होता नजर आएगा। डेफिनेटली आपके लिए सब कुछ स्ट्रेसफुल है, पर आप सबको लाइक इस एनर्जी में लाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके वजह से आप ही के वजह से सब चीज़ें बेटर होती हुई आपकी लाइफ में नजर आएंगी। फाइनेंसेस हफ्ते के एंड में ग्रो होते हुए नजर आएंगे, जॉब वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हफ्ते के एंड में ही क्रिएट होती हुई नजर आएगी, एक अच्छा ऑफर आएगा। आप में से कुछ लोग ट्रैवल करने का अचानक से प्लान बना सकते हैं और ट्रैवलिंग के रिलेटेड बातचीत कर सकते हैं या कोई तैयारी करेंगे, इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है। जो लोग स्पेशली लीगल मैटर्स में फंसे हुए हैं टॉरस राशि वालों, अगर कोई लीगल मैटर चल रहा है बहुत लंबे समय से, स्ट्रेस्ड आउट है, टेंशन है, और डेट इस हफ्ते की है 16 से 22 अप्रैल के बीच में तारीख आई है, कोर्ट केस है, स्ट्रेस है, तो टेंशन मत लेना, केस आपके ही फेवर में सॉल्व होता नजर आएगा, आप ही के फेवर में आपको सक्सेस मिलती हुई, विक्ट्री मिलती हुई, जीत होती हुई नजर आएगी। ये हफ्ता आपको खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करना है, क्योंकि आप ही के पुश से, आप ही के बोलते हैं ना एफर्ट से, ये चाहे रिलेशनशिप हो, आपकी फैमिली हो, आपके काम का इशू हो, सब सॉल्व होता नजर आएगा। कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो एक बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही है वो सॉल्व होती नजर आएगी। स्टूडेंट्स के लिए कहूँगी कि स्टूडेंट्स काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, लव इमोशंस में फंसे नजर आएंगे, किसी की तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, या कहीं ना कहीं किसी और सोच विचार में रहेंगे, बिना वजह बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हुए या फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते नजर आएंगे। हफ्ते के एंड में अचानक से आप अपनी स्टडीज पे फोकस करेंगे, अगर कोई रिजल्ट्स या टेस्ट एक्सपेक्टेड है तो उसमें रिजल्ट्स अच्छे आते नजर आएंगे, लेकिन पूरा हफ्ता आप बहुत यहाँ वहाँ टाइम खर्च करेंगे। टाइम की कीमत समझे, टाइम की वैल्यू समझे, टाइम को यूं ही वेस्ट मत करें। यह हफ्ता एक न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है एस ऑफ वॉन्स की एनर्जी के साथ, और सब कुछ आपके अंदर बेटर लाता हुआ, एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी लाता हुआ नजर आ रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस क्या है टॉरस राशि वालों के लिए, एडवाइस क्या है फॉर दिस वीक 16 से 22 अप्रैल, एडवाइस क्या है। टू ऑफ वॉन्स, आपकी लाइफ में पता है प्रॉब्लम क्या है ना टॉरस राशि वालों, आप कुछ जरूरत से ज्यादा ओवर करते हो, हर चीज में ओवर गिविंग हो, ओवर नर्चरिंग हो, आपकी लाइफ में आपको ज्यादा सामने वालों को देने की आदत है, लोग आपके लिए करें उससे पहले आप ही ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। इस वक्त आपके लिए यूनिवर्स कह रहा है कि स्टेप बैक, टेक अ स्टेप बैक, मतलब कहीं ना कहीं आपको पीछे कदम लेने चाहिए इस बार। इस बार आपको देखना चाहिए कि आपके लिए कौन एफर्ट्स डाल रहा है, ना कि आप कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं। यूनिवर्स कह रहा है कि ओवर गिविंग नेचर को बदलना पड़े, इस समय ऑब्जर्व करें कि कौन कितना पानी में है, कौन कितना आपके काम आ सकता है, कौन आपका सच में साथी है। आप अपने लाइफ में ये जो ओवर गिविंग नेचर लेकर बैठे हुए हैं, ये जरूरत से ज्यादा सबके लिए करना, इससे कहीं ना कहीं लोग आपका एडवांटेज ले रहे हैं, लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड, लाइक कहीं ना कहीं आपको फायदा ले रहे हैं, आपको यूज कर रहे हैं, मैन्युपुलेट कर रहे हैं। आपको अपनी भावनाओं को समझना होगा और इस बार प्रयास ये करना होगा कि आप नहीं, सामने वाले जितने भी लोग हैं वो अपना जो है एफर्ट डालें। अगर बिजनेस में भी बहुत समय से ऐसा चल रहा है कि आप ही बार बार घुस घुस के अपने एम्प्लॉयज का काम करते नजर आ रहे हैं, बार बार आप बोल रहे हैं कि चलो तुम हटो मैं कर लेती हूँ या मैं कर लेता हूँ, तो स्टॉप डूइंग दैट, उनको करने दो, उनका काम उन्हें करने दो, वो करेंगे तभी सीखेंगे। अगर आप ही बार बार उनका पिलर बनकर रहे तो वो आप ही से सारे काम कराएंगे और खाए पिए निकल लेंगे, ये चलता रहेगा। थोड़ा सा आपको अपनी एनर्जीज को बदलने का प्रयास करना चाहिए, थोड़ा सा अपने डिफेंसिव पोजीशन पे आने की जरूरत है, ठीक है। सो टॉरस राशि वालों,
ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ये सारा प्यार दो, और दूसरे चैनल के लिए जो भी लिंक्स आपको चाहिए वो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साईं राम।